हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजल जिमनास्ट। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हैंड स्टैंड। चार स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। हैंड स्टैंड ज़्यादा मुश्किल मूवमेंट नहीं है, ये दिखता जितना मुश्किल है आसान है। बच्चे तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं इसे, और यंगर्स भी आसानी से कर सकते हैं। हैंड स्टैंड जब आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस मसल्स पे पड़ेगा, हमारे किस जॉइंट्स पे पड़ेगा? सबसे पहले हमारा रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो एंड शोल्डर, इन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब हम हैंड स्टैंड करें तो हमें हैंड स्टैंड में जितने हमारे शोल्डर हैं उतने ही चौड़े अपने हाथों को रखना है। देखिए, इतना ही चौड़ा रखना है, इससे ज़्यादा वाइड नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही ओपन रखना है। ये फर्स्ट स्टेप आपको वॉल के साथ में करना है। सबसे पहले आपको लेग्स को ज्वाइन करना है और वॉल के साथ में पूरा टच हो जाना है, पूरा वेस्ट को, शोल्डर को। उसके बाद में आपको हैंड्स को ऊपर उठाना है और पूरा वॉल पे टच होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको होल्ड करना है, होल्ड 30 सेकेंड्स। अब मैं बताऊँगा आपको सेकेंड स्टेप हैंड स्टैंड के लिए। पाइक हैंड स्टैंड करना है, बेंच के ऊपर करना है आपको। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। हैंड्स मैंने बता ही दिया है, अपने शोल्डर लेवल पे रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा से गैप रखना है, पैरों को ऊपर रख लेना है। उसके बाद में लेग्स को ज्वाइन करना है, नी स्ट्रेट, और आपको अपने हाथों के बीच में देखना है, दोनों हाथों के बीच में देखना है, और शोल्डर पीछे, शोल्डर और वेस्ट को एक लाइन में रखना है। होल्ड 30 सेकेंड्स, इजी डाउन। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप्स की तरफ। अब आपको थर्ड स्टेप करना है, वॉल के साथ में पैर लगा के हैंड स्टैंड करना है। देखिए, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बिगिनर हैं, ठीक है। तो आप कम से कम 2 फुट दूर रखें, हाथ को यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। और हैंड्स को मैंने बता ही दिया है कितना चौड़ा रखना है, अपने शोल्डर लेवल पर रखना है। उसके बाद में वेस्ट को अप करना है, राइट लेग ऊपर, लेफ्ट, छोटे छोटे स्टेप लेने, यहाँ पे होल्ड करना है। फिर आप जब यहाँ पे बेटर करने लग जाएं, आपको फील आ जाए, तो आप छोटे छोटे स्टेप लेके पीछे जाएं, छोटे छोटे स्टेप लेके, और लेग ज्वाइन रखना है पूरा, बस यहीं पे होल्ड करना है आपको 30 सेकेंड्स। छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे आना है, बड़े स्टेप नहीं लेने हैं। जब आपको थर्ड स्टेप में फुल कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद में आपको फोर्थ स्टेप करना है। किस तरीके से करना है देखिए। लास्ट स्टेप, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, और फोर्थ स्टेप, जो हैंड्स को लगाना है, राइट लेग को आगे रखना है, वेस्ट को, लेफ्ट लेग को ज़्यादा पीछे नहीं, आगे रखना है, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है दीवार से। अब आपको थर्ड में करना है, 1, 2, 3, होल्ड 30 सेकेंड। जब आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप धीरे धीरे वॉल से पैर हटाएं, एक पैर हटाएं, उसके बाद आप कोशिश करें हैंड स्टैंड होल्ड करें, जैसे मैंने कर लिया है। राइट लेग डाउन। सभी स्टेप्स को आपको करना है, चार स्टेप हैं, सिंपल स्टेप हैं। कैसे करना है मैंने बता दिया है। 30 सेकेंड्स होल्ड करना है आपको, जैसे कोई भी आप पहली एक्सरसाइज करेंगे, 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। फिर वॉल के साथ करना है, बेंच के साथ करना है, 30 सेकेंड्स करना है, 6 टाइम करना है, एवरी एक्सरसाइज 6 टाइम। आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपका हैंड स्टैंड रेडी हो जाएगा, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ट्राई करिए और आप हैंड स्टैंड सीखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।